तो ये है जिप्रोनिक्स की तरफ से एक मल्टीमीडिया स्पीकर जिसको आप अपने पीसी में यूज़ कर सकते हो, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो ZEP2.0 IGL001। ये इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, और बाकी इसके अंदर क्या कुछ है सारा कुछ हम खोल के देखेंगे। और यही इसका यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है, बाकी हम इसके अंदर जाके देख लेंगे। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है, सिंपल सा कवर दिया गया है इसके अंदर। ये है हमारा मेन स्पीकर। सामने की तरफ यहाँ पर ग्रिल्स दिया गया है, स्पीकर ग्रिल्स, और यहाँ पर सामने दोनों जेब्रोनिक्स का लोगो है। नीचे की तरफ आप यहाँ पर जो सादा बार देख रहे हो ये असल में LED है, हम इसको ऑन करके भी दिखाएंगे आपको। और पीछे की तरफ यहाँ पर कुछ ड्रॉ लाइन जैसे डिजाइन किया है और ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर मॉडल लिखा है और सिंपल सा ये तार है। बाकी इसका जो वायर क्वालिटी है मुझे अच्छा लगा, मोटा सा वायर दिया गया है। ऑडियो इनपुट के लिए यहाँ पर ऑक्स केबल दिया गया है और पावर के लिए USB केबल, इसका भी क्वालिटी ठीक ठाक। और वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए यहाँ पर ये नॉब दिया गया है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी वायर का जो क्वालिटी है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन इसका जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा लगा मुझे। अगर आपका PC थोड़ा सा दूर है तो इसको यूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसको PC में इंसर्ट करते हैं और देखते हैं इसका साउंड कैसा है। तो इसको हमने PC से कनेक्ट कर दिया है, अब इसको पावर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो पावर देने के साथ साथ यहाँ पर नीचे जो लाइट दिया गया है LED लाइट, वो जल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। इसका कोई अलग से बटन नहीं है, कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो आप इसको प्ले करते हैं और इसका साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। तो आपने इसका साउंड क्वालिटी देख लिया है, इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, लेकिन इसमें से आप बेस फील नहीं कर सकते। पैकेज में यहाँ पर बताया गया है कि 4-4 वाट की 2 स्पीकर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 4 वाट की स्पीकर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 वाट का आउटपुट दे रहा है, मतलब 3-3 6 वाट का आउटपुट आपको दे रहा है। इसका साउंड क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, लेकिन बेस आप फील नहीं कर सकते। वैसे भी नॉर्मल PC यूज़ करिए गाना सुनने के लिए या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए ये ठीक ठाक है। बाकी इसका बिल्ड क्वालिटी आप देख के ही पता कर सकते हो कि प्लास्टिक है और इस पर बताने लायक कुछ है नहीं। अमेजोन से मैंने इसको बाई किया है 400 रुपये में। अगर आप अपने PC या फिर लैपटॉप में इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको यूज़ कर सकते हो। स्पीकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।